again welcome to my class students this is jyoti tiwari and you are watching my english study channel english with jyoti ma'am our today's video is going to be very important for you because today i'm going to explain essay on my hobby which is very important for your examination purpose but uh, before starting the video i have to tell you one thing if you are new in my channel and want to join my class you can subscribe my channel इंग्लिश विथ ज्योति मैम सो लेट्स स्टार्ट द ऐसे सो स्टूडेंट्स वेन वी राइट एनी ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आउटलाइन ऑन इट जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा लिखते हैं तो चलिए देखते हैं माई हॉबी की आउटलाइन माई हॉबी मीन्स मेरा शौक और इसका हम पहला पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना इसके बाद हम लिखेंगे वॉट इज़ हॉबी मीन्स हॉबी क्या है देन काइंड्स ऑफ हॉबीज मतलब हॉबीज जो शौक होते हैं उसके प्रकार फोर्थ नंबर पे लिखेंगे माय हॉबी मतलब मेरा शौक देन माय गार्डन मेरा उद्यान देन नेसेसिटी ऑफ द हॉबी हॉबी की आवश्यकता और अंतिम पॉइंट हम लिखेंगे कंक्लूज़न मीन्स उपसंहार तो ये थी आउटलाइन चलिए अब देखते हैं ऐसे को लेजर टाइम इज़ अ प्लेजर टाइम मीन्स फुर्सत के जो पल होते हैं वे बहुत ही आनंददायक होते हैं इंट्रोडक्शन नाव अ डेज लाइफ इज़ वेरी बिजी सो वैन वी गेट टाइम वी वॉन्ट टू डू वॉट वी लाइक आजकल का जो जीवन है वो बहुत ही व्यस्तता से भरा हुआ है तो जब भी हमें समय मिलता है हम वह काम करना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं इट गिवअर्स प्लेजर एंड कीप आर सेल्व्स एनर्जेटिक यह हमको खुशी देता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान एंड pleasure मीन्स आनंददायक लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट एंड इट इज़ वॉट इज़ हॉबी हमारा अगला पॉइंट है शौक क्या है वेन एवर वी गेट टाइम वी वॉन्ट टू डू द वर्क वॉट वी लाइक हमें जब भी खाली समय मिलता है हम उस कार्य को करते हैं जो हम पसंद करते हैं इन अदर वर्ड्स हॉबी मीन्स वर्क विच वी डू इन आर फ्री टाइम अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि हॉबी एक ऐसा काम है जो हम अपने खाली समय में करते हैं ऑलमोस्ट एनीथिंग वंडर्स विथ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ हॉबी लगभग वे सभी काम जो हम रुचि के साथ करते हैं हॉबी मीन्स शौक कहलाते हैं काइंड्स ऑफ हॉबीज मीन्स हॉबीज के प्रकार There are many kinds of hobbies such as listening music, photography, stamp collection, dancing and gardening. शौक कई तरह के होते हैं जैसे listening music, गाने सुनना photography, stamp collection means टिकट टिक इकट्ठा करना dancing means नृत्य and gardening means बगीचा तैयार करना One can keep एनी ऑफ दीज हॉबीज अकॉर्डिंग टू देयर च्वाइस कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी शौक़ को अपनी पसंद के अनुसार रख सकता है अगला पॉइंट है माई हॉबी मीन्स मेरा शौक़ माई हॉबी इज़ गार्डनिंग मेरा शौक़ है बागवानी इन माई लेज़र टाइम आई यूज़ टू स्पेंड माई टाइम इन माई गार्डन जब मेरा खाली समय होता है तब मैं अपना समय अपने बगीचे में व्यतीत करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई गार्डन मीन्स मेरा बगीचा देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मेरे घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है आई हैव ग्रोन सम फ्लावर्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स देयर मैंने वहाँ पर कुछ फूल के पौधे और सब्ज़ियाँ उगाई हैं आई वाटर द प्लांट्स इन माई गार्डन एवरी डे मैं अपने बगीचे के पौधों को प्रतिदिन पानी देता हूँ वैन आई सी माई गार्डन आई फील डिलाइटफुल जब भी मैं अपने बगीचे को देखता हूँ मैं बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ मीन्स मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेसेटी ऑफ द हॉबी मीन्स शौक की आवश्यकता ना वट इज़ लाइफ इज़ वेरी हैक्टिक आजकल की जिंदगी बहुत ही व्यस्त है या व्यस्तता से भरी हुई है वी गेट बोर्ड बाय डूइंग द सेम थिंग्स एवरी डे हम प्रतिदिन एक ही तरह के दिनचर्या जीते जीते एक ही तरह के कामों को करते करते बोर हो जाते हैं वैन यू हैव अ हॉबी यू आर फिल्ड विद न्यू एनर्जी जब आपका कोई शौक़ होता है तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप एटलीस्ट वन हॉबी इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा कम से कम कोई एक शौक़ हो कोई एक पसंदीदा काम हो जिसे हम अपने खाली समय में करना चाहें एंड द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन वैन वी परस्यू एनी हॉबी वी फील एक्सट्रीम जॉय एंड एंथ्यूजम जब हम कोई शौक रखते हैं या अपनाते हैं तो हमें अत्यधिक आनंद और उत्साह की अनुभूति होती है We rejuvenate ourselves by keeping our hobby. जब हम कोई शौक रखते हैं तो हम बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं So one should keep at least a hobby. लिए सभी को कम से कम एक शौक जरूर रखना चाहिए a hobby a day keeps the door drums away. हमारा एक शौक हमारी उदासी को दूर कर देता है सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द ऐसे ऑन माई हॉबी वी विल मीट सून इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम हैव अ गुड डे